ना किसी को करना नहीं, काम किसी का करना नहीं, ये है। कई बार इनसे कंप्लेंट भी कर ली, कुछ सुनते ही नहीं है। प्रॉब्लम चल रही है यहाँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कंप्लेंट भी कई बार कर चुके हैं। कुछ भी ना करा हमारे यहाँ तो करा ना। दिल्ली दर्पण की खास सीरीज दर्पण झूठ ना बोले में आज बात कर रहे हैं गाजियाबाद के वार्ड नंबर 32 की, जहां से पार्षद हैं कांग्रेस के ओम त्यागी। इस वार्ड में नंदग्राम, सिहानी गेट, मरियम नगर के इलाके आते हैं। इस वार्ड में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि लोग यहां पर यही दुआ करते हैं कि बारिश ना आए, क्योंकि अगर बारिश आई तो लोगों के लिए पैदल निकलना भी दूभर हो जाएगा। पहले बात करते हैं इस वार्ड के नंदग्राम की। यहाँ जरा नजर घुमा कर देखिए, स्कूल जाने वाले बच्चे भी किस तरह से परेशानी का सामना करते नजर आ रहे हैं। बारिश आई नहीं कि यहाँ मौजूद फातिमा स्कूल में आना जाना दूभर हुआ नहीं। फातिमा स्कूल ही नहीं, यहाँ पर सारी सड़कों पर पानी ऐसे भर जाता है जैसे कि बाढ़ आ गई हो। चारों तरफ पानी भरा रहता है और रही सही कसर, टूटी सड़कें और सड़क के बीचों बीच पड़ा कंस्ट्रक्शन का ये मटेरियल पूरी कर देता है। दर्पण झूठ ना बोले के इस खास प्रोग्राम में हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 31 यानी पार्षद ओमपाल त्यागी के क्षेत्र में। इससे पहले इस क्षेत्र के विकास की बात करें तो पहले यहाँ पे सड़कों की हालत देख लेते हैं। सड़क इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है कि जितने भी बच्चे सुबह के वक्त स्कूल के लिए जा रहे हैं उनको देखिए किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क पर बारिश के बाद पानी भर जाता है और उसके बाद इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए आप किस तरीके से ये बच्चे बच बच के पानी से अपने सुबह के वक्त स्कूल जा रहे हैं, और जब इनकी छुट्टी होती है और जब ये बच्चे घर के लिए जाते हैं इन बच्चों को इतनी ही परेशानियां यहाँ पे उठानी पड़ती है। लेकिन हैरानी की बात ये है ना तो स्कूल प्रशासन की और ना ही यहाँ के पार्षद की यहाँ इस जगह पे नज़र पड़ी जिससे कि इन बच्चों की जो तकलीफें हैं वो दूर की जा सके। अगर हम यहाँ के पार्षद की बात करें वो सड़क बनवा सकते हैं पे इतने बड़े बड़े यहाँ पे उसकी तो बात जो उसका एक जुर्मा है ना किसी को करना नहीं, काम किसी का करना नहीं, ये है सर। और ये बहुत सारी दिक्कतें होती है सर, दिक्कत इतनी होती है कि बस निकलना भारी पड़ रहा था। अब तक कई बार इनसे कंप्लेंट भी कर ली, कुछ सुनते ही नहीं है। उनका जी जैसे हम भी तो आ ही रहे, ये बोल देते जैसे हम आ रहे हैं ऐसे आ पाओ। बेटा आप ये बताओ सुबह के वक्त जब आप यहाँ से आते हो आपको परेशानी होती है? Yes. क्या प्रॉब्लम आती है? कि हम यहाँ पर भीड़ भाड़ में नहीं चल पाते सही से, हमें लाइन लगानी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से आते हैं। क्या परेशानी आती है? कि पानी में से हम आते हैं तो हमारे शूज भी गंदे हो जाते हैं और ड्रेस भी। स्कूल वालों को यहाँ पे जो मैनेजमेंट कमेटी है इनको सोचना चाहिए कि जो हमारे जो स्पेस है वो क्लियर करें। ठीक है, स्पेस क्लियर नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे आएंगे? जो साइकिल्स वाले बाइक वाले भी अब आ रहे हैं, अब हम खुद पानी में भर के आए हैं यहाँ पे, बच्चे पानी भर के आए, छोटे छोटे बच्चे, इसके दो बच्चे हैं। ठीक है, अब वो बच्चे को दोनों बच्चों को कैरी नहीं कर सकते, बैग नहीं कर सकते, अब बच्चे शूज़ वगैरह सब भीज के आ रहे हैं। ये परमानेंट है, बहुत ही रोड नीची है बहुत सी, पानी भर जाता है यहाँ पे सीवरेज का। प्रॉब्लम चल रही है यहाँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कंप्लेंट भी कई बार कर चुके हैं और ये हर बार जब भी बरसात होती है तब भी ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। ये आलम सिर्फ फातिमा स्कूल के बाहर का ही नहीं बल्कि आसपास की तमाम सड़कों का भी है, लेकिन इसके बावजूद हालात ये हैं कि हर कोई एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगा हुआ है और अपने जन प्रतिनिधि को लेकर कोई भी बोलना नहीं चाहता और ना ही उनकी जिम्मेदारी तय करना चाहता है। हाँ, कभी कभार आते हैं पर ज्यादा रेगुलर दिखाई नहीं देते। अगर इस एरिया के विकास की बात करें तो पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ? वाह, आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ भी अभी तक सीवर लाइन तक तो चालू नहीं हुई है 5 सालों में। पानी भरा रहता है जिससे गंदगी फैल रही है, मच्छर हो रहे हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, गड्ढे हैं, बाइक्स निकालने प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ी निकालने प्रॉब्लम हो रही है, प्लस पैदल वालों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इतनी के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आप देख रहे हैं बारिश का पानी निकल नहीं रहा है, गंदगी आप चारों तरफ देख ही रहे हैं। नहीं, पहचान तो हैं, जानते भी हैं। क्षेत्र में आए हो कभी? क्षेत्र में आएगा कभी कभी, कई महीने से आया भी ना, कुछ भी ना करा हमारे यहाँ तो करा ना, मरियम में तो पानी दिक्कत सारी पे निकलने निकवासी है ही नहीं, रोड टूटी पड़ी है, सीवर भी बंद है, तो उन्होंने करा क्या? आज बीच में रुके पड़े हैं सीवर भी। केवल नंदग्राम के ही हालात बदतर नहीं हैं, बल्कि इस वार्ड के तमाम इलाके ऐसे ही विकास की राह देख रहे हैं। मरियम नगर और सिहानी में भी अमूमन यही हाल है, जगह जगह टूटी सड़कें, अटी पड़ी नालियां, सड़कों पर बहता गंदा पानी और कूड़े के ढेर। आलम यह है कि काम के मामले में यहाँ के पार्षद ओम त्यागी का कोई वोटों में खाता भी नहीं खोलना चाहता, यानी कि हर शख्स इन्हें 0 नंबर दे रहा है। मिस्टर ओम त्यागी, हम क्षेत्र में उनके घर पे गए हैं, उनसे हमने ये मतलब जो परेशानियां थी उनको करी हैं, मगर वो क्या कभी देखा आपने?
नहीं क्षेत्र में हमने नहीं देगा भाई, जो काम करा है वो सामने दिख रहा है, सब पानी भरा पड़ा है, मोटरसाइकिलें गाड़ियां सब खराब हो रही हैं, नई नई गाड़ियां पानी भरने से बच्चे गिरते हैं, स्कूल की परेशानी है, स्कूल के सामने कितना पानी भरा हुआ है जो बच्चे नहीं जा पाते। अपने पार्षद को आप 10 में से कितने अंक देंगे? हम तो 0 ही देंगे। 5 साल में यहाँ एक ईंट लगी भाई, ये समस्या है, कहने लगे जी आप करवा देंगे, आश्वासन है बस। आप अपने पार्षद को विकास के तौर पर कितने मार्क्स देंगे? विकास में ये 0 है। देखो जी, 5 साल के अंदर यहाँ मरियम में तुम्हारे हिसाब से तो कोई विकास हुआ नहीं अभी तक, ठीक है ना जी। ट्यूबलाइट वगैरह बेशक जरूर लगवा दिए हैं, और आपके सामने है जो कुछ आप देख रहे हैं कि विकास की क्या गति है, कहीं पुलिया सब कुछ टूटा पड़ा है, ठीक है जी, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है बिल्कुल भी, पानी भरा पड़ा है, बीमारी फैल रही है बच्चों को, 4-5 कैंसर के मरीज इस मरियम नगर के अंदर हो चुके हैं अब तक, ठीक है ना, ना है तो आप जाँच कर लीजिए, 4-5 मरीज, पानी दूषित हो चुका है, ठीक, सेंट जोसेफ स्कूल का पानी सारा अंदर जा रहा है जमीन के अंदर, ठीक है ना, सारा प्लांट अपना बना रखा अंदर, उसकी कोई जांच नहीं हुई अभी तक, कुछ नहीं है उसके अंदर, मैं तो जो कुछ अंक नहीं दे रहा। नहीं, आज तक कोई विकास नहीं किया, और हमारे घर के सामने 5 फुट पानी भरा हुआ है, और पूरी मेन रोड में ना तो स्कूल में कोई बच्चा जा सकता, ना ITI में, और यहाँ एजुकेशन हब है पूरा, और यहाँ पे कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भी आना पसंद नहीं कर रहा इस टाइम, यहाँ का माहौल देख के, और हमारे पार्षद ने आज तक कोई विकास नहीं किया, 5 साल में बस 2 खंभों पे ट्यूबलाइट तो लगवाई है, आज तक कुछ काम नहीं किया। आप ये बताइए अपने पार्षद को कितने अंक देंगे? मैं तो 0 अंक देना पसंद भी नहीं करूंगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ के पार्षद खुद को अच्छाई का सर्टिफिकेट देते नजर आ रहे हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने अपने वार्ड में 80% तक काम पूरे कर लिए हैं। भाई कौन से काम, और बाकी बचे काम भी वो चंद दिनों में पूरा कर लेंगे। ऐप का भी टोटल हो चुका है, आर में 2-3 गली हैं वो भी होने जा रही हैं, ए ब्लॉक का भी हो गया, थोड़ा सा काम रह रहा ना कि बराबर, बी का हो गया, ये मेरठ रोड से लेकर आपके टोटल नंदीग्राम के 4 रोड सब हमने काम करवाए, आप जनता से जाके पता करना, और 6 करोड़ रुपए की मैंने सीवर वार्ड 32 में सीवर लाइन डलवाई, पानी की निकासी के लिए सिर्फ वार्ड 32 में डली है, सीवर लाइन टोटल में डल चुकी, अस्पताल पर रुकी हुई है, अस्पताल वालों ने कोर्ट से स्टे ले रखा है, जिस दिन स्टे हट जाएगा उस दिन हम लाइन डलवा देंगे, और उनकी गैर तुरंत सड़कें बनवा देंगे, उनका कितना भी अच्छा काम करा दो वे भलाई ना दें, पार्टी बेस की बात कर रहे हैं, और उनसे कुछ नहीं होने वाला, मैं बताऊँ आपसे, मैं काम फिर भी उनके कराऊंगा। बहरहाल दर्पण की पड़ताल में ये तो साफ है कि वार्ड 32 में काम तो बहुत हुए, लेकिन केवल कागजों पर। हकीकत की तस्वीर तो खुद ही अपना दर्द रो रो कर बयां करती नजर आ रही है। दर्पण की पड़ताल और जनता की राय में ओम त्यागी को मिलते हैं 0 नंबर, और परिणाम फेल। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें, या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर